नीचे करो, ये रिपोर्ट भी होना है। खुफिया एजेंसी फेल हो चुकी, भारतीय सेना के आला अफसर सारा दोषी, उत्तरी कमान के प्रमुख माडा डालना चाहूँ। कोरोना महामारी ये भारतीय सैनिक जिन जगहों तक गश्त लगाए करते थे, वैसे चार बिंदु हैं जो आज उनके अंडर में जा चुके हैं। पीपी 14, 16, 18, 19 ये सब उनके अंडर में जा चुके हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 60 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया और वह इलाका है जिस पर भारतीय सेना गश्त लगाए करती थी। तो आप क्या चाहते हैं? आप 60 भारत की 60 वर्ग किलोमीटर जमीनी चीनी कब्जे में हो चुका है, आप तब से मौन थे। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये पूरा बिहार की जनता जानना चाहती है और देश की 220 कंपनियों का चीन के साथ, 220 कंपनियों चीन के साथ आश्चर्य होगा, लीगल कनेक्शन है, लीगल। और इतना ही नहीं, लगभग भारत की दर्जनों कंपनी चीन के भारी निवेश कर चुका है। टेंसेंट ने भारत में कंपनियां सुनवाई, कैपिटल 16 कंपनियां, स्वास्थिकास 10 कंपनियां, स्वामी 8 कंपनियां, फोसुन आरजेड कैपिटल 6 कंपनियां, हिलाउस कैपिटल 5, स्टार्टअप्स 29,000 करोड़, स्मार्टफोन 70%, होम एम्प्लायंस 1,000%, ऑटो कंपोनेंट 26%, फार्मास्यूटिकल 60%, सोलर पावर और टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट बड़ा रोल। भारत में सोलर पावर क्षमता 37,916 MD, 90% शेयर चाइनीज का है। अब आप हमको बताइए कि आखिर क्या होगा? आप लगातार पूरी दुनिया में, आपका अमिताभ बच्चन प्रचार कर रहा है, ये हीरो प्रचार कर रहा है, आपका प्रचार क्रिकेटर कर रहे हैं, आप बैंड नहीं लगाते हो, क्या कारण है कि बैंड नहीं लगता है? तो इसीलिए आप यदि नहीं करोगे तो जनता को जागरूक करेंगे कि आप चाइनीज कोई सामान ना खरीदें। लगातार उनकी हमला की प्रवृत्ति जारी है, सरकार मौन है, सिर्फ 72 घंटे के बाद आकर के फिर वही प्रवचन दी और फिर गायब हो गए। बिहार सरकार, 6 लोग बिहार के शहीद हो गए, ट्वीट तक नहीं किया। नीतीश बाबू के कुकर्मों का, पाप का नंगा खेल जारी है। कोरोना वायरस में भी बिहार की जनता के साथ वही किया और जब बिहार रेजिमेंट के 6 लोग शहीद हो गए, टोटल मरे, तो उसके बाद नीतीश बाबू को किसी बात का चिंता नहीं है। हमारी पार्टी ने सभी 6 बिहारियों को जो शहीद हुए हैं, 1,00,000 रुपया हम निर्णय लिया है देने का, और साथ साथ अविलंब पूरे भारत में जो चाइनीज एडवर्टाइजमेंट है उसको आप रोकिए और जो बड़े बड़े लोग इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसको तुरंत रोक लगाइए।